फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चिकन करी की रेसिपी कि आप घर पर बहुत ही परफेक्ट चिकन करी कैसे बना सकते हैं। स्पेशली ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को जेंटली वॉश कर लेना, अच्छे से धोएंगे। और धोने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ना 3 टेबल स्पून थिक योगर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। उससे ज़्यादा दही हम नहीं लेंगे। सिंपली 3 चम्मच मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया। दही के साथ बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे, जैसे कि नमक, रेड चिली पाउडर। ये देखिए 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और ये देखिए 1 से 2 पिंच हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना। और यहाँ पर 1.5 टीस्पून के करीब मैंने कोरिएंडर पाउडर यूज़ किया है, और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब इन सारे मसालों के साथ में नींबू का रस ऐड करते हुए चिकन को अच्छे से इन स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है 1 पिंच के करीब। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप मिक्स कर लें। और ये सारी चीज़ें मैंने फिर चिकन के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई थी जो मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ग्राइंडिंग जार में ही छोड़ दिया था, तो मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मिक्स करने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, वरना 15 मिनट तो आप छोड़िए। साथ ही यहाँ पर मैं आपके इसके ग्रेवी के लिए बहुत ही इजी सॉल्यूशन बता रही हूँ। तो मैंने एक पैन ले लिया, सिंपली रफली चॉप 3 मीडियम साइज़ के अनियन और 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से टमाटर को सॉफ्ट होने देना है। इस तरीके से आप जब भी इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ग्रेवी के अंदर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको ग्रेवी मिलेगी। तो टमाटर और प्याज जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में क्या करेंगे, इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक पतीला ले लिया जिसके अंदर हम चिकन को प्रिपेयर करेंगे। तो साथ ही मैंने एक यहाँ पर 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। कुछ खड़े मसाले ऐड किए जैसे दालचीनी 1/2 टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्ची, 1 बड़ी इलायची और 1 से 2 हरी इलायची और 2 से 3 लौंगे ऐड कर दी हैं। साथ ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करते हुए 1 टेबल स्पून रेड कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हुए इन मसालों को पहले आपने ऑयल में अच्छे से भूनना है। इससे आपके ग्रेवी के अंदर एक दानेदार टेक्सचर आता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने भून लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे नमक और कोरिएंडर पाउडर यानी कि पिसे हुए धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक मैं थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ, बाद में ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे तो जो हमने टमाटर और प्याज की प्योरी बनाई थी वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और धीरे धीरे जो ना अभी ना मसालों का कलर पहले लाइट होने लगेगा। ये देखिए तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए मसाले अभी लाइट हो गए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1 कप फ्रेश दही ऐड कर रही हूँ और दही को भी हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है, आप जब भी किसी भी डिश के अंदर मतलब ग्रेवी के अंदर दही ऐड करते हैं तो गैस को आपने बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना या फिर ऑफ़ कर लेना, बाद में आप चला लें। और फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है। इससे क्या होगा, हमारा जो डिश का कलर है ना वो वापस से आ जाएगा। उसको कवर करके आपने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को पकाना है। अब मैंने यहाँ पर ना एक पैन लिया है, उसके अंदर बटर और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था उसके पीसेस को इस तरीके से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इससे क्या होता है ना, एक अलग बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन के अंदर, और जो हमारी चिकन करी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये स्टेप जो है ना ऑप्शनल, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कीजिए, वरना तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टी होती है, चिकन बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए मैंने मैरिनेट वाले चिकन को इस तरीके से रोस्ट कर लिया। अब ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं पकते पकते ग्रेवी को, और ये ऑयल रिलीज़ होने लगा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं एक दानेदार टेक्सचर है। तो इस तरीके से इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसको अब हम चिकन को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारी ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छे से पक चुकी है। और फिर अच्छे से कर लेंगे इसको मिक्स। ये देखिए अभी जैसे जैसे पकेगा चिकन का कलर जो है ना और चेंज होगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। ये देखिए